अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक ठाक? बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसलिए 10-15 दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बनाया। और एक भाई के साथ थोड़ा सा मैं बातचीत किया। भाई काम करता है अल ओथाई बी ग्रुप कंपनी में, और बहुत सारा नया नया भाई आ रहा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश थे कि ज़्यादा देखते ना हमारे वीडियो, तादर जो नो बिजनेस करे उस बंदा लोगों के लिए जो भाई बांग्लादेश से आ रहा है, तो अल ओथाई बी ग्रुप कंपनी में अगर कोई भाई आओगे तो भाई के साथ बातचीत किया। वीडियो में भाई खाना खा रहा था होटल में, तो उस टाइम मैं भी गया और भाई के साथ बातचीत किया कि भाई सैलरी वगैरह कितना मिलता है इस कंपनी में और काम क्या होता है अल ओथाई बी ग्रुप में। तो भाई मेरे को पूरा डिटेल्स बताया और भाई को थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, भाई थोड़ा सा वीडियो बना दो। बांग्ला में था और मैं भी कोलकाता का हूँ, तो बातचीत किया, लेकिन भाई को बोला थोड़ा सा वीडियो बना दो कि अगर कोई भाई बांग्लादेश से देखेगा मेरा वीडियो तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो भाई बोला भाई वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी भाई जो भाई आ रहा है उसको बोलो, ऐसा ऐसा बोलो। तो भाई का मैं बातचीत करके जो इन्फॉर्मेशन मिला वही आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस कंपनी में अगर आओगे एजेंट लोग आप लोगों को क्या क्या बोल रहा है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ओके? तो देखो अल ओथाई बी ग्रुप में अगर कोई भाई आओगे बा काम करोगे बा वीसा मिल गया तो सऊदी अरब में क्या क्या काम होता है, कितना घंटा ड्यूटी और सैलरी कितना मिलेगा आपको अगर इस कंपनी में आओगे तो, और ओवर टाइम वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा इस वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर करेगा। तो भाई था बांग्लादेश का और बांग्ला में बात किया। तो भाई बोला देखो भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ये सरकारी गवर्नमेंट जो सऊदी गवर्नमेंट जैसा इंडिया में बांग्लादेश में बीडीओ ऑफिस एसडीओ ऑफिस जो सरकारी संस्था है जो लेवल में काम करता है गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट में क्लीनर का काम करता है भाई। क्लीनर का जैसा टॉयलेट वगैरह फ्लोर वगैरह पोछा मारना, डस्टबिन से किस उठा के बोलोदिया में रखना, ऐसा ऑफिस क्लीनर का, एक्चुअली ऑफिस क्लीन एकदम गवर्नमेंट ऑफिस में। तो भाई बोला मैं जावाजत ऑफिस जैसा भीसा वगैरह और आपका एकमा वगैरह कि गवर्नमेंट में जो लेबर कोर्ट होता है, लेबर लोगों को जो कोई भी अगर सऊदी में अगर कोई भाई हो तो उसको पूछो जी जावाजत ऑफिस लेबर ऑफिस क्या होता है, तो उस भाई आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता देगा। तो जावाजत ऑफिस में इसका कॉन्टैक्ट है गवर्नमेंट का। तो ऑफिस क्लीनर का काम, ऑफिस क्लीनर का काम आपका होगा। अगर एजेंट लोग आपको दूसरा कोई काम बोलेगा हो सकता है, लेकिन जो भाई इधर काम किया वो ऑफिस क्लीनर का काम कर रहा है जावाजत ऑफिस में गवर्नमेंट का। तो इसका सैलरी देखो और ड्यूटी इसका 8 घंटा ड्यूटी होता है, आपको 6 बजे स्टार्ट होगा। तो भाई बोला मैं 6 बजे आता हूँ, किसी भाई 8 बजे आता है, कोई भाई 8 बजे आता है, कोई भाई 6 बजे आता है। एक दो ग्रुप है, किसी भाई को 6 बजे स्टार्टिंग होता है, किसी भाई का 10 बजे स्टार्टिंग होता है ड्यूटी। तो अगर आप लोग 8 घंटा ड्यूटी करो तो 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करके 4 बजे किसी भाई का 2 बजे ख़त्म हो जाता है। और सैलरी का अगर बात करें तो भाई सैलरी इसका 8 घंटा ड्यूटी 800 रियल सैलरी जो भाई बोला, अगर इसमें कम भी हो सकता है, भाई बोला इसमें कम दूसरा जगह में थोड़ा सा कम भी है, 700 रियल भी है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ जिस एरिया में, इस एरिया में 800 रियल सैलरी 8 घंटा ड्यूटी होगा। काम अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऑफिस क्लीनर का काम, और सऊदी ऑफिस तो कैसा होता है आप लोगों को पता है कि कोई भी धूली मिट्टा नहीं रहता है, मिट्टी नहीं रहता है, ऐसा क्लीनर का काम। बस आप सुबह आओगे पूरा ऑफिस क्लीन करके दोगे, बाद में आप रूम में बैठो मोबाइल यूज़ करो, कोई मसला नहीं है। सऊदी लोग ज़्यादा गिर नहीं करते हैं, बस जिस टाइम आपको बुलाएगा उस टाइम आप उसका बात सुनो, बस ऐसा काम। बाद में बोला ओवर टाइम वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है इस कंपनी में, तो बोला भाई ओवर टाइम नहीं है, लेकिन भाई दूसरा धंधा करता है कि सब्जी मार्केट में सब्जी दुकान में काम करता है। तो इधर उधर करके खाना पीना वो दूसरा जगह इधर उधर करके वो जुगाड़ करता है, लेकिन जो कंपनी का काम आपका 8 घंटा ड्यूटी होगा और 800 रियल सैलरी होगा, ओके अल ओथाई बी ग्रुप। तो भाई को मैं भी पूछा वीडियो में पूरा, अगर आप लोगों को बांग्ला है तो अगर जो भाई बांग्ला कोलकाता में देख रहा हो बांग्लादेश में देख रहा हो उस भाई को पता चल जाएगा मैं क्या क्या बात किया भाई के साथ। तो भाई को मैं पूछा कि डायरेक्ट कंपनी की सप्लाई, तो बोला भाई ये कॉन्टैक्ट लेता है गवर्नमेंट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कराता है,
तो मैं बोला उसको कि एक कमा रूम गाड़ी में लेके जाएगा, लेके आएगा। ये कौन सा कंपनी की जावा जाता ऑफिस का गाड़ी की वो जो उस कंपनी में काम करो उस कंपनी का गाड़ी। तो बोला कि कंपनी का गाड़ी, एकामा वगैरह सब कुछ कंपनी। ऑफिस का जो भाई काम कर रहा है वो भी उथाई भी ग्रुप का काम कर रहा है, तो सारा कुछ उस कंपनी का अंडर में। अच्छा काम भाई, वो ज़्यादा गिर गिर नहीं। भाई का जो फेस देखा, क्लीनर का काम कर रहा है लेकिन जो उसका बॉडी फेस देखा वो अच्छा पोजिशन में है, लेकिन वो काम ज़्यादा पेशा नहीं। एक्चुअली बोलने बोलेगा तो काम ज़्यादा पेशा नहीं, अच्छा काम, बस आपका गिर गिर भी ज़्यादा नहीं। तो आ सकते हो, अगर एजेंट लोग आप लोगों को क्या क्या बोल रहा है मेरे को कमेंट करो। ओके, कमेंट करके मेरे को बताओ कि एजेंट लोग ऐसा ऐसा बोल रहा है। अल ओथाई बी ग्रुप, अल ओथाई बी ग्रुप कंपनी सऊदी अरबिया। ओके, और ऐसा ही था। और भाई के साथ बात किया इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर करेगा। कोई भाई जो रिसेंटली आ रहा हो बांग्लादेश से तो उसके लिए हेल्प हो जाएगा। एजेंट लोग तो आपको बोलेगा 1200 रियाल, 1200 रियाल, 1000 रियाल ऐसा बोलेगा। और जो बात मैं कर रहा हूँ और आपको जो एजेंट बात अगर सही हो, दो बंदा का बात सही हो, तो आप सोचो कि हाँ बात सही है, एजेंट को जो बात है सही बोल रहा है। और एजेंट जो बोल रहा है यार, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर बात उल्टा पुल्टा हो रहा है तो सोचो कि भाई एजेंट लोग थोड़ा सा कुछ फ्रॉड कर रहा है। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और बांग्लादेश का भाई मेरे को कमेंट किया, भाई पानी कंपनी का स्पेशल एक वीडियो चाहिए, पानी कंपनी। तो मुश्किल नहीं भाई, मैं वेयर हाउस में जाके उस भाई के साथ बातचीत करके अगर एग्री हो तो मैं एक वीडियो बना के दे दूँगा। ओके, नो प्रॉब्लम।